अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट पेडागोजी पार्ट 8। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रश्न समझने की जरूरत है। यहाँ पर यह पूछा गया है जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। तो पहला विकल्प है उसे पढ़ाने की विधि, दूसरा विकल्प है दोस्तों आंकिक प्रश्नों का हल करके करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तीसरा विकल्प है दोस्तों आपका पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, और चौथा विकल्प है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर चार विकल्प शो हो रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर सेकंड होगा, आंकी प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ठीक है। तो यही उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो विकल्प नंबर बी सही इसका उत्तर होगा। देखिए दोस्तों आप लोग से गलती क्या जाती है, आप लोग प्रश्न पढ़ने में थोड़ी गलती करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो आप लोग याद करके नहीं जाएंगे तो भी इसका सही आंसर बता लेंगे। देखिए ये तो हमेशा आता है एनसीएफ 2005 क्या मानता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ से ही शुरू होता है कि सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, ठीक है ना। इसमें तो कोई निश्चित तरीका आप लगाएंगे नहीं। अगर आप आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बता दिए तो कोई तरीका तो आता नहीं है। तो ये प्रश्न, ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न क्या रहा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला विकल्प है दोस्तों आपका कि विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, दूसरा विकल्प है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, और तीसरा विकल्प है दोस्तों आपका गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, और चौथा विकल्प है आपका विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल और कार्य पत्रक देना, वर्कशीट। तो दोस्तों प्रश्न में आप लोग समझ गए होंगे क्या पूछा गया था कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न क्या रहा आपका कि पैटर्न की सहायता, पैटर्न की पहचान करना और उसे पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि जो आपका पैटर्न होता है, पैटर्न की पहचान करना और उसे पूरा करना क्या होता है। अब विकल्प पढ़ते हैं, विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, दूसरा विकल्प दोस्तों विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, तीसरा विकल्प आपका सुडोको पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, और चौथा विकल्प आपका है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। देखिए दोस्तों विकल्प नंबर डी है, यहाँ पर ए प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी ही होगा, ये होगा कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो जो बच्चों को विकल्प नंबर डी समझ में आ रहा था वो सही आंसर होगा। तो देखिए आप लोग प्रश्न को पढ़ना और समझना सीख लीजिए तो आपको आसानी होगी। देखिए सीटेट पेडागोजी जो आती है मैथ में वो काफी आसान होती है, और 15 नंबर दोस्तों आप लोग को फ्री की देखी जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग को पास होना, तो ये सब छोटे छोटे 15 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर की मैथ, उसकी भी वीडियो दोस्तों पूरी पार्ट बनाई जा रही, तो आप आसानी से इसको बीट कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, चौथा नंबर, फिर उसके बाद और बातें करेंगे दोस्तों। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या रहा कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो पहला विकल्प है दोस्तों केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, तो जो बच्चों ने बीटेक किया होगा, जैसे कोई प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों ना, तो उसकी एक एल्गोरिदम लिखी जाती है, तो चलिए यहाँ फिलहाल प्रोग्रामिंग तो नहीं करनी हमें। और दूसरा विकल्प है कक्षा में अभ्यास कार्य हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, तीसरा विकल्प है दोस्तों संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना, और चौथा विकल्प है केवल
संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले आप लोग अपने मन में सोचा करिए हर एक विकल्प में क्या हो सकता है। तो जो इसका सही आंसर होगा हम आपको बताते हैं, विकल्प नंबर बी होगा कि कक्षा में अभ्यास कार्य हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तो देखिए क्वेश्चन कितने आसान होते हैं लेकिन पेपर में आता है ना तो डाउट्स आ जाते हैं यार, सभी विकल्प तो एक जैसे लग रहे हैं, चारों विकल्प मिलते जुलते होते हैं दोस्तों, इसलिए आपको कंफ्यूज करते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि आपके एक एक नंबर जरूरी होते हैं। आपको सीटेट सिर्फ पास करना है, उसमें कोई नंबर लाने से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, लेकिन अच्छे नंबर 100+ नंबर अगर आप लाते हैं तो बस अच्छे नंबर होते हैं और आप लोग पूरे इंडिया भर में एलिजिबल हो जाते हैं, कहीं पर भी आप कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी तो आप वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो पांचवा प्रश्न आपका क्या रहा कि सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको एक नमूना इसका बना के दिखा देते हैं, कैसा ग्रिड जो गतिविधि उन्होंने बनाई थी, कुछ ऐसा उन्होंने ऐसा बनाया था, ठीक है, आप लोग को समझने के लिए काफी होना चाहिए। तो इसमें क्या दर्शाया गया था, देखिए ऐसे आप लोग, ठीक है, बस आप लोग एक दो लाइन में आप लोग समझ सकते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों इसकी, ठीक है। तो एक में 0.06 रखा था, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर रखा था 0.02 या 0.2 है दोस्तों, खाली यहाँ पर 0.2। तो यहाँ पर दर्शाया गया था दोस्तों ऐसे 0.2 गुड़े 0.3 बराबर 0.06, ठीक है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि इस गतिविधि के द्वारा सुश्री रीना क्या करना चाहती है वो समझेंगे, ठीक है। वो क्या बताना चाहती है कि पहला विकल्प है दोस्तों आपका संकलनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। दूसरा विकल्प दोस्तों सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। तीसरा विकल्प है समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। और चौथा विकल्प दोस्तों आपका प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और उसका संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो आपको दोस्तों समझना है इसका जो सही आंसर होगा, पहले उसको हम आपको बता देते हैं कि जो इसका पहला विकल्प है संकल्पनात्मक और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है, ठीक है, संकल्पना तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम, ये इसका विकल्प, ये आंसर पहले दोस्तों सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए जो रीना होती है उन्होंने एक डायग्राम या एक ग्रिड विधि का गतिविधि का प्रयोग किया, ऐसे पढ़ाने से बच्चों को ज्यादा समझ में आता दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सही आंसर इसलिए हुआ जो संकल्पना है उसका ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल देना और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम, ठीक है, इसको समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 6 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, तो यहाँ पर खाली स्थान पर बल देती है, तो आपको इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प दोस्तों गणितीय, जो गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। दूसरा विकल्प दोस्तों गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तीसरा विकल्प दोस्तों गणित शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। और चौथा विकल्प दोस्तों निम्न उपलब्धि कर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। देखिए सबका अलग अलग तर्क क्या था, जैसे मान लीजिए किसी के पास अलग उपलब्धि होगी तो उनके लिए क्या गणित की पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। और दोस्तों पहला विकल्प क्या था, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ये भी गलत होगा। और दूसरा विकल्प था गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये तो आप लोग को बिल्कुल सही उत्तर लग रहा होगा, तो जो बच्चे ना पढ़े होते तो भी इसी प्रश्न को टिक मार कर आते। तो दोस्तों एक चीज और बता दें, ये प्रश्न आपका सीटेट 2013 में पूछा भी जा चुका है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो आप लोग ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को दोस्तों अच्छी से तैयारी रखनी चाहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो सातवां प्रश्न क्या रहा आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यहाँ गणितीयकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है, ठीक है दोस्तों। यह प्रश्न रहा तो इसका सही आंसर ढूंढेंगे, पहला विकल्प है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करके और अमूर्त का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधन का विकास करने में। दूसरा विकल्प दोस्तों वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन का
तीसरा विकल्प दोस्तों स्वतंत्र रूप से ज्यामिति प्रमेय का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। चौथा विकल्प दोस्तों शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा। ठीक है, जो आपका पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करके और अमूर्त का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधन का विकास करने में। तो जिनके मन में विकल्प नंबर ए आ रहा होगा बिल्कुल सही थे। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो आठवां प्रश्न क्या रहा आपका कि एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। तो दोस्तों देखिए ये चार विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, तो आपको इन चारों में से दो विकल्प को चुनना है। पहला विकल्प है दोस्तों उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। ठीक है, दूसरा विकल्प है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तीसरा विकल्प दोस्तों केवल हल किए गए अभ्यास शामिल किए गए हैं। और चौथा विकल्प है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप लोग को पूरी तरीके से पता चल गया होगा जो चौथा विकल्प पूरी तरीके से गलत है। तो मतलब जिसमें डी डी आर उसको कट कर देंगे, ए और सी ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता, और बाकी बचे बी और डी वाला विकल्प, इनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बार फिर से जरा विकल्प नंबर ए को पढ़ते हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। ठीक है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ये चलिए ठीक है, ये विकल्प सही हो सकता है। और बी विकल्प है दोस्तों स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों ये भी सही है, केवल हल किए गए अभ्यास शामिल किए गए, दोस्तों ये तो गलत होगा। तो मतलब देखेंगे ए और बी कौन से विकल्प में दिया गया है वही सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है जो विकल्प नंबर बी है जिसमें दिया गया है विकल्प ए और बी दोनों सही है, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो नवा प्रश्न क्या दिया गया है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह पर केंद्रित है। दोस्तों आपके पास चार विकल्प है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, दूसरा विकल्प दोस्तों परिभाषा और सूत्रों को याद करने, तीसरा विकल्प नियमित गृह कार्य जमा करने, बिल्कुल गलत लग रहा है आपको तीसरा विकल्प, और चौथा विकल्प दोस्तों गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। जी हाँ दोस्तों ये विकल्प आपको देखने में भी सही लग रहा होगा और है भी सही, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो आपको जो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी पर चूज किया होगा तो उनका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी होगा। अब देखते हैं आज का दोस्तों तो दसवां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न क्या रहा, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित अरे आरेख है। तो दोस्तों एक फिगर दिया गया तो उसको भी हम बना के आपको दिखाते हैं, पहले छोटा सा एक ऐसे दिया गया फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2013, ठीक है, सीटेट 2013 में पूछा जा चुका है, तो उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा। ऐसा आपको आरेख दिया गया तो ऐसे ऐसे बनाया गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों ऐसे ऐसे आरेख बनाया गया। तो एक आरेख दोस्तों ऐसा भी बनाया गया था, इसमें इसको भी देख लेते हैं, एक दो तीन तीन ऐसे दोस्तों, ठीक है, दो तीन फिर दो एक दो तीन, एक दो तीन, फिर उसके बाद दोस्तों एक ऐसे सीधे खड़ा आरेख बनाया गया था, ठीक है, एकदम सटा सटा के भर दिया जाता है, और एक में दोस्तों लास्ट में एक ऐसा आरेख बनाया गया। तो ये लाइन कितनी सीधी है उससे मतलब नहीं दोस्तों, जो इसमें गोले भरे गए हैं उससे मतलब होगा, ठीक है ना। क्या प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाला आरेख कौन सा होगा। और यह दोस्तों पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीकों को संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके चार विकल्प हैं, पहले उसको देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या विकल्प दिए गए हैं आपके प्रश्न में। तो पहला विकल्प है दोस्तों दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन की अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्षेत्रफल की संचयी प्रकृति। तीसरा विकल्प दोस्तों गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। और चौथा विकल्प है दोस्तों दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका सही आंसर सबसे पहले मैं आपको बताते हैं, इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन की अस्मिता,
अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान। तो जिन बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा या विकल्प आया होगा, तो बच्चे बिल्कुल सही थे। तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपके आज 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 10 में से 9 हुए होंगे तो अच्छी बात है, 7 से लेके 8 या 9, इन तीन में से जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं 7, 8, 9, या जो बच्चे सुपर टैलेंटेड होंगे वो 10 में से 10, तो दोस्तों उनकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है और सीटेट में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन 7 से कम दोस्तों वो काफी कम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए आसान था, प्रश्न था सीटेट 2013 में पूछा भी जा चुका है। तो 2019 के जो दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं जुलाई में, तो आप लोग उसके लिए तैयार अभी से रहिए। दोस्तों एक चीज और बता दें आपको, जो ये पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन भी सीटेट जुलाई 2013 में आया था। ठीक है, ये भी जुलाई 2013 में ही आया था, जुलाई 2013 में। तो चलिए अब बात करते हैं आने वाली वीडियोस पर क्या होगा। अब जो दोस्तों अगली पार्ट आएगी दोस्तों, उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। हर बार आपके क्वेश्चन का लेवल दोस्तों अब अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो कठिन क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। और जिन बच्चों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो जो दोस्तों, उनको जरूर देखिएगा, जिससे आपकी थोड़ी और हेल्प होगी। तो फिर मिलेंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।